अस्सलाम वालेकुम गाइस, सारे लोग देख रहे होंगे यार हमजा सो कर उठा। आई एम सो कर उठा, सब्र करो मैं मूड होकर आऊँ, थोड़ी शर्ट में चेंज करेंगे तो फिर आपसे बात करता है हमजा। तो वाओ, तो हाँ गाइस, मैं कहाँ था यार। हाँ तो मैं ये बता रहा था कि यार मैं ब्लॉग क्यों बना रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता। मैं क्यों बना, मेरे पास टॉपिक्स नहीं, और टॉपिक्स हैं तो बहुत सारे, तो इस वजह से आज मैं ऐसे ब्लॉग बनाने के लिए आ गया। मैंने जैसे पहले बताया था कि मैं ब्लॉग फर्स्ट बनाया था जब मैंने, तो तब बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि हाँ यार हमें तुम्हें ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए। मगर आज फिर से मैंने बोला यार चलो पूछते हैं लोगों से कि मुझे ब्लॉग 4 बनाना चाहिए। तो उन्होंने बोला हाँ यार हमें बना लो। बता यार मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि आप लोगों को हालात का पता है, पूरी आवाम पता है कि भाई कोरोना चल रहा है, लोग बाहर नहीं जाते, और लोगों को ये टेंशन है कि ईद आ रही है और ईद की नमाज होगी या नहीं। तो मुझे भी टेंशन है होगी या नहीं, अब वो तो अलग हो, हाँ पता है होगी या नहीं हमें नहीं पता। तो चलो मैं आपको आज एक और चार पाँच बातें, तीन चार टॉपिक्स हैं उनको आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक सही है, सबसे पहला टॉपिक ये है कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों को खुशखबरी दूँ, सिंध के बच्चों को या पूरे तालीम इदारों के बच्चों को कि यार 1 से लेकर 8 के बच्चे तो प्रमोट हो गए। सही, ये तो उनके नसीब थे, मगर हम जैसे लोगों का फैसला बीच में आया था कि यार 9 मैट्रिक के 9 to 11 12 के बच्चों तक को पास प्रमोट कर दिया जाए, मगर फिर वज़ीर तालीम ऑफ सिंध उन्होंने कहा कि भाई इनको पास नहीं किया जाए, इनके पेपर्स लिए जाएँ। तो फिर फैसला नहीं हुआ, तो अब ये है सीन कि आज इंशाल्लाह या जुम्मे तक फैसला आ जाएगा कि 9 मैट्रिक के बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए, तो वो देखा जाए। अब तो दुआ है प्रमोट हो जाए, आमीन, सारे आमीन कहिएगा प्रमोट हो जाए जैसे बच्चे। तो उसके बाद क्या होता है, सही है। अब दूसरा टॉपिक क्या चल रहा है, दूसरा टॉपिक ये चल रहा है कि भाई टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, वाह क्या बात है ना यार, दोनों का एक अलग ही एंगल है मगर लड़ते एक जैसे। अब जैसे कि मैं आपको एक क्लिप दिखाऊं, बहुत से लोगों ने भी दिखाई होगी तो मैं भी आपको दिखाता हूँ, तो ये बंदा देखें क्या कह रहा है, फिर उसके बाद बात करते हैं। आए दिखाता हूँ। What's up everybody? That's your boy Amir Siddiqui live all the way from Mumbai. तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइज आप लोग यही सोच रहे होंगे मैं ऐसे गेटअप में क्यों बैठा हूँ, तो गाइज यार मैं आपको बताना चाहता हूँ पिछले 2-3 घंटों से मैं वो सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देख रहा हूँ जो हमारी कम्युनिटी वाले लोग के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि है टिकटॉक कम्युनिटी। तो गाइज मैं अब भी आया हूँ अपने टीरैक्टर को पार्क करके अपने प्लॉट पे। तो गाइज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं इनके कंटेंट एकदम ढांसू है, कतई जहर कंटेंट बनाते हैं यार इन लोग, बट इनकी कुछ वाहियात बातें और इनकी कुछ वाहियात सोच है ना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और गाइज ये मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरे को किसी से कोई हेट नहीं है, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरे को आप लोग के पॉइंट्स अच्छे नहीं लगे तो मैं बात कर रहा हूं। तो पहला पॉइंट है कंटेंट। आप लोग हमारी कम्युनिटी वाले लोग के कंटेंट को बोलते हो क्रिंज, यार हर कोई क्रिंज कंटेंट नहीं बनाता है, कुछ लोग होते हैं जो क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, मैं भी मानता हूं ये बात। और जैसे कि फिलहाल मेरे को लगा कि आपका कंटेंट बहुत क्रिंज है, क्योंकि आप हमारे ही वीडियोस लेके हमारे ही वीडियोस से व्यूज ला रहे हो, पैसे कमा रहे हो और हमारे ही कंटेंट को क्रिंज बोल रहे हो, तो आपका कंटेंट तो क्रिंज इनटू 100 हो गया। और गाइस सेकंड पॉइंट है सीसी। सीसी तो आप लोग समझ ही गए रहेंगे मेरे भाई लोग, क्रेडिट कार्ड और कंटेंट कॉपीराइट से बच के रहना चाहिए यार मेरे से, अच्छा तो आप लोग जानते रहेंगे, आप लोग ही हमारे कंटेंट को एक्सप्लॉइट करके इतने प्यारे तरीके से यूज करते हो यार। टिकटॉकर्स आपको प्राउड होना चाहिए कि आप लोग का कंटेंट यूज करके इनको व्यूज आ रहे हैं और इन लोग पैसे कमा रहे हैं। तो यार गाइस शायद हमारे कम्युनिटी वाले लोग को कंटेंट कॉपीराइट के बारे में नहीं पता रहेगा, लेकिन मेरे को अच्छे से पता है और आप लोगों को भी अच्छे से पता है, हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं आपके चैनल के साथ और बहुत कुछ बिगड़ सकता है, लेकिन यार ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि यार एक दूसरे को हमने तो बस इतना ही सिखाया कि एक दूसरे को सपोर्ट करके चलो, प्यार करते चलो, मेरे को किसी से नफरत नहीं, हेट नहीं। और अगर किसी को मेरे से और ये बातों से प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज मेरे को डीएम कर लेना, मैं आपको डीएम में समझा दूंगा बातें पर्सनली।
तीसरी बात आती है कम्युनिटी सपोर्ट की। यार आप लोग की कम्युनिटी मैंने देखा है कि आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, बहुत झगड़े करते हो यार तुम लोग। अगर तुमने कोई कंटेंट बना दिया, महीने में आप 3 कंटेंट बनाते हो वैसे भी, अगर आपके 3 कंटेंट है तो सारे यूट्यूबर्स कम्युनिटी सब वही कंटेंट कॉपी करने लग जाते हैं, वही बातें होती है। भाई बहन के वीडियो तो सब भाई बहन के वीडियो बनाएंगे, गोल्ड डिगर के वीडियो तो सारे गोल्ड डिगर्स के वीडियो बनाएंगे, मतलब भेड़ बकरी वाले चाल करते रहते हो तुम लोग, और उसमें भी तुम लोग आपस में लड़ लेते हो। क्या बात है यार, मतलब सपोर्ट तो बिल्कुल ही नहीं। अब यही बात मैं तुमको एक लाफा मारूंगा और बताऊंगा हमारी कम्युनिटी की बात। तो हम जो टिकटॉकर्स की कम्युनिटी है ना, अगर कोई एक ट्रेंड आता है ना, हम लोग अगर कॉपी भी करते हैं ना, तो हम लोग कभी किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलते, हम लोग आईडी दे देते और सपोर्ट करते एक दूसरे को। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे में अगर कोई बड़ा कंटेंट क्रिएटर है, जैसे कि फैजू हो गया, जन्नत हो गई, या फिर अशिका भाटिया हो गई, फैजल सिद्दीकी हो गया, रिवॉल्वर रानी हो गई, बहुत सारे लोग हैं जो बड़े लोग हैं, लकी है, 07 है, तो ये बड़े लोग हैं। अगर हम लोग में से कोई छोटा क्रिएटर इनसे हेल्प मांगेगा ना, तो ये लोग कभी मना नहीं करते, उल्टा प्राउडली इनको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं और सिखाते हैं कि आप लोग को ग्रो कैसे करना है। मैं पर्सनली खुद करता हूं लोगों को सपोर्ट कि कैसे ग्रो किया जाता है, आप मेरे प्रोफाइल पे जाके देख सकते हो। और जहां तक रही बात हमारी कम्युनिटी की, तो हम लोग यूनिटी में रहते हैं हमेशा। तो मैं आज ये बातें कर रहा हूं अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करके। और गाइस यार कोई बुरी मानने वाली बात नहीं है, आप लोग ने किया, हम लोग ने स्पोर्टिंगली लिया, तो अब आपकी बारी, आप लोग भी सारी चीजें स्पोर्टिंगली लेना। और अब मैं बात करना चाहूंगा मेरे फेलो टिकटॉकर्स से। तो गाइस आप लोग आपको क्लिप इसलिए दिखाई है कि आपको पता पड़े कि इस बंदे ने बोला क्या है, ठीक है। अब एज अ पर्सनल मैं बताऊं तो यार मैं टिकटॉक भी बनाता हूं और यूट्यूब पे ये चैनल भी है मेरा। तो अब मैं किस पे ज़्यादा फेमस हूँ, यूट्यूब पे या टिकटॉक पे? टिकटॉक पे हूँ ना, यूट्यूब पे तो इतना फेम नहीं है मेरे पास। बट अब इस वीडियो के बाद आता है तो वो मुझे पता नहीं है, नहीं आता तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये मैं अपने फ़न के लिए बनाता हूँ वीडियोज़, तो लोगों को बनाना है मुझे फेमस तो बना ले, नहीं बनाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं कहाँ क्या कह रहा था कि इसकी बातों का हमने सुना, अब इसकी बातों का हमने सुन के क्या फैसला किया कि यार हम किसकी साइड पे जाएं, टिकटॉक की या यूट्यूब की? तो यार मैं पर्सनली देखूँ ना तो दोनों इक्वल है, देखा जाए ना तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अब फ़र्क ये है कि इनका कॉन्टेंट अलग होता है और इनकी वीडियोस में कंटेंट अलग होता है। अब देखो यार मैं कोई ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं जहरी बात है ना, किसी ना किसी के तो साउंड पे वीडियो बनाऊँगा और उसी की कॉपी करूँगा, क्योंकि यार कॉपी करना उसमें बहुत ज़रूरी है, आप अपना नया तो कुछ ला ही नहीं सकते ना, ठीक है। अब टिकटॉक पे ये सीन है, अब यूट्यूब पे आते हैं, यूट्यूब पे ये सीन है कि हम व्लॉगिंग कर सकते हैं, हम किसी को रोस्टिंग वीडियोस बना सकते हैं किसी के साथ। अब और कोई वीडियो बना ली, कोई फ़नी वीडियो बना ली, कोई प्रैंक कर लिया, कुछ कर लिया, तो बहुत सारे लोगों को है ना ये समझ में आता है। अब इसने जैसे कहा कि मिस्टर फैजू है, ये है, वो है, अब इनके पास मैं जाता हूँ और मैं वीडियो बनाता हूँ तो ये हमें अप्रिशिएट करेंगे, हमारे साथ वीडियोज़ बनाएंगे, इसकी यही बात थी। अब मैं बताता हूँ कि यार मैं किसी भी व्लॉगर के पास जाता हूँ, एज अ पर्सनल मैं किसी व्लॉगर के पास जाता हूँ व्लॉगिंग करता हुआ, ठीक है। तो यार जाहरी बात है यार वो व्लॉग बनवाएगा हमसे, वो हमारे व्लॉग में आएगा, वो हमारे को अप्रिशिएट करेगा, वो हमारे कैमरा पे बोलेगा कि यार इसको सब्सक्राइब करो, इसको फॉलो करो, इसको ये करो। ये नहीं कि यार नहीं भाई मैं नहीं दे रहा, ये हो गया, फलां हो गया, ढिमकान हो गया, मैं नहीं दे रहा, बस मेरी मर्जी। यार इन जैसे लोगों की वजह से ना हमारी पाकिस्तानी आवाम के यूट्यूबर्स की ज़िंदगी, पूरे YouTube पे कचरा उठाया इसने, इसने पूरे YouTube को रोस्ट करने की बात बोली। और ये एक अकेला बंदा उठ के आया है कि यार मुझे ये YouTube देख रहा था तो मुझे ये बड़ा लगा। यार तुम्हारा काम है TikTok बनाना, तुम TikTok बनाओ ना यार। अब तुम्हारे सारे TikToker YouTube पर उठ के आ रहे हैं, वो नहीं देखते। अब जैसे मैं खुद हूँ, मैं खुद एक TikToker हूँ, उठा के मैं खुद YouTube पे आया ना, तो यार आजकल सारी दुनिया देख रही है कि यार YouTube बहुत पुराना ऐप है और TikTok एक नया ऐप है, तुम लोगों ने उस पर वीडियोस बना बना के उसको फेमस कर दिए, तो यार सारी दुनिया TikTok देखती। अब रमज़ान का महीना है, अब सारे मुसलमान हो
या भले यार कोई ना कोई हो तो यूट्यूब ज़्यादा देखेगा ना। अब आपका इंडियन ही है, अब मैं एक एज अ पाकिस्तानी फरमा रहा हूँ कि आपके इंडियन व्लॉगर्स मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है। आप जैसे कि बीबी बीबी की वाइंस है आपकी एज अ पर्सनल, उसके व्लॉग्स भी अच्छे हैं, उसकी जो बाकी वीडियोज़ है वो भी बड़ी VIP। अब आपका MSK है मोहम्मद सलीम खान, उसके व्लॉग्स मैं खुद देखता हूँ, पर्सनली देखता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छे व्लॉगिंग करता है। बाकी आपके व्लॉगर्स को मैं जानता नहीं हूँ, तो बाकी ये जो फेमस आपके व्लॉगर्स हैं अच्छे बनाना चाहिए, अच्छी व्लॉगिंग करते हैं। अब हमारी तरफ से कोई व्लॉगिंग करता है, रजा मूसो है, बड़ा अच्छा व्लॉग करता है, सब्सक्राइब करना उसके चैनल को। मैंने वे नहीं आएगी मेरे पास, उसको बताओ हमदा बोलो सब्सक्राइब इग्नोर। तो आगे करते हैं, हाँ भाई आगे है इरफान भाई हमारे, इरफान जुनेजो। अब उनका एक पेज नहीं है, दो दो पेज है, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास बहुत ज़्यादा फेम है। अब उनके दूसरे पेज पे भी 100K सब्सक्राइबर्स से वो क्रॉस कर गए, और दूसरा है उनका पेज है अपना खुद का ज़ाती, उस पर भी 921K सब्सक्राइबर्स हैं, 921 सब्सक्राइबर्स हैं उनके। तो यार देखो ना यार, यार अलग चीज़ है ना यूट्यूब और टिकटॉक, तो भाई लड़ो नहीं यार, भाइयों की तरह तो साथ रहो। तो फिर यूट्यूब कहीं उछल गया, दिमाग घूम गया यूट्यूब का, तो फिर तुम लोग हार जाओगे यार टिकटॉक में, ज़्यादा फलां फलां मस्ती वस्ती नहीं करो। तो यार लास्ट एंड फाइनल टॉपिक मैं आपको बता दूँ, तो लास्ट में फाइनल टॉपिक ये है कि बड़े लोग यार, मैं अपने पर्सनली वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में ये करोना वायरस फैला हुआ है, तो यार अपने ख्याल रखो, अपना सब करो, अपने आप को सेफ रखो, और बाहर ना जाओ, रूल्स के ख़िलाफ़ मत जाओ, रूल्स में रहो। सारे लोगों को लॉकडाउन है, घर पे बैठने का कहा, तो यार बराए मेहरबानी घर बैठो यार, घर बैठोगे तो तुम लोग सही होगे ना यार, आप लोग सेफ रहोगे। ऐसा नहीं है यार तुम लोग बाहर जाओगे तुम लोग सेफ हो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं लगेगी। अब मैं आपको बताऊँ तो यार पाकिस्तान में भी 30,000 से बंदे क्रॉस कर गए, करोना के शिकार हो चुके हैं, बट यार हमारी आवाम है वो कहती है कि भाई लॉकडाउन खोलो हमें शॉपिंग करनी। यार कल मेरे ख्याल में कराची में, पाकिस्तान में लॉकडाउन खुला है, और मैं आई एम फ्रॉम हैदराबाद, तो मैं हैदराबाद से हूँ, तो हैदराबाद में गया तो नहीं, मैंने सोशल मीडिया पर बड़ी वीडियोज़ देखी यार, उधर एक मशहूर मार्केट है रेशम गली, तो यार वहाँ पर इतनी रश जैसे मामूल के हिसाब से ज़्यादा रश थी। जैसे आपको पता है लॉकडाउन इतने आई थिंक 44 डेज़ या 50 डेज़ के बाद खुला है, 2 महीने तकरीबन हो चुके थे, तो यार सारे लोग रेशम गली में ऐसे कूद रहे हैं, ऐसे शॉपिंग कर रहे हैं जैसे कोई करोना है ही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग की मांगे ने कर दी। अब यार सोचो, कुछ दिमाग में ला यार, अपने आप को सेव रखना है। अब जैसे पर्सनली मैं लॉकडाउन में बाहर नहीं गया, बट जब लॉकडाउन था आपको पता है 2 नंबरी में पाकिस्तान है, 2 नंबरी हो सकती है, तो यार मैं पाकिस्तान की बुराई नहीं कर रहा, पाकिस्तान में 2 नंबरी होती है, तो यार मैं अपने कपड़े और सब कुछ सिलवा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे टेलर मुझे कपड़े दे देगा 16-17 तारीख तक का, ईद तक का मुझे कपड़े मिल जाएंगे, मुझे कपड़ों की टेंशन नहीं है। बस यार आप दुआ करें पाकिस्तानी और बाकी जितने भी दुनिया में जितने भी लोग देख रहे हैं ये वीडियो, तो यार आप सब दुआ करिएगा कि ईद की नमाज़ हम मस्जिद में पढ़ सकें यार, क्योंकि यार हमारे करोना मार्केट्स में नहीं है और कहीं पे भी नहीं है, बस मस्जिदों में हमारा करोना है, जहाँ पे हम अपने अल्लाह से इबादत करते अपने अल्लाह की, तो बस उधर ही उन लोगों को करोना लगता है। बस यार जो करते हैं अब तो हमारे गवर्नमेंट की मर्ज़ी है। तो यार गाइज प्लीज़ आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, और अपने आप को ख्याल रखें, और पता है आप लोगों को ये मैं आखिरी में इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे कि यार आप लोग लॉकडाउन में रह रहे हो तो बहुत सारे लोगों ने दाढ़ी काट ली होगी, बहुत सारे लोगों ने बाल भी कटवा लिए, बट मैंने नहीं कटवाया, बट ये मैं कटवा चुका था पहले, कटवाया था मगर फिर ये बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए जितने पहले थे, तो देख लो ऐसा हूँ इंशाल्लाह। ब्लॉक 5 बहुत जल्द आएगा, आई थिंक ईद का भी आ सकता है और ईद के दूसरे दिन का भी आ सकता है, तो वो आप वेट करिएगा, और बाकी आपको मज़ा आया हो, आपको मेरी बात समझ आई हो, और आपको जिसको
सपोर्ट करना है टिकटॉक को या यूट्यूब को, दोनों में से किसी को भी सपोर्ट करिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और नहीं आई हो तो फिर भी कर देना, और मेरे चैनल को ज़रूर भाई हाथ जोड़ता हूँ सब्सक्राइब कर देना। कुछ तो फेमस लाओ या फेम लाओ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।